रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन स्टू। ज्यादातर ये शादियों में बनाया जाता है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसको बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको घर में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए जो मैंने लिया है तकरीबन हाफ के जी करीब मैंने लिया है मटन। मटन जब मेरी तरफ आता है इसको लाजी मैं एक उबाल दिला के इसका जो पानी होता है फिर फेंक देती हूँ और नलका पानी डाल देती हूँ ताकि ऊपर से अच्छी तरह इसकी जो वैक्स होती है वो साफ हो जाए। उसके बाद उसके पैकेट बना के इसको फ्रीज करती हूँ। बेशक आपने फ्रीज करना हो, बेशक ताज़ा आपने यूज़ करना हो, इसी तरीके से इसको यूज़ किया करें। साथ मैंने लिया है जी 1 टीस्पून मैंने लिया है जी अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन की, और मैंने जी 3 से 4 ली हैं सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक मैंने उनको क्रश कर लिया है। 1 प्याली लिए मैंने टमाटर पेस्ट, टमाटो प्यूरी, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 1 प्याली दही, साथ मैंने ली है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा भुना हुआ, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ, सफ़ेद मिर्च मैंने लिए 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिए रेगुलर गरम मसाला, इसकी भी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 6 से 7 मैंने ली हैं गोल वाली सुरख मिर्च, 2 तेज़पत्ते और 2 स्टिक्स ली हैं मैंने दालचीनी की, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके इन इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है, मैंने तकरीबन 1/2 से ज़्यादा कप ऑयल लेके उसे गर्म कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक की जो पेस्ट थी वो मैं डाल दूंगी इसमें। इसे हल्का सा हम इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम अपने मीडियम से थोड़ा लो ही रखना है ताकि हमारी पेस्ट जले नहीं। मटन के पीसेस जाएंगे, इसे इसमें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए। उसके बाद बाकी हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको गोश्त को फिर हम गलने के लिए रख देंगे। गोश्त भी फ्राई हो गया, इसमें मैं डालूंगी 2 तेज़पत्ते, दालचीनी की स्टिक्स और स्पाइसेस। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जाएगी टमाटो प्यूरी, इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और साथ ही इसमें डालूंगी 2 गिलास पानी, अभी गोश्त ने गलना है। इसमें ठीक 2 गिलास पानी गया है। अगर आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा पानी लेते हैं तो पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन 40 से 45 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूंगी, इसका एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। हमारे बबल्स बनने लगे, यानी कि जो सब पानी हमें डाला था वो पकने लग गया, मैं इसे कवर कर दूंगी। फ्लेम कर देंगे हम मीडियम लो पे और 40 से 45 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 5 मिनट्स हो गए हैं माशाल्लाह, जो कि पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया था अभी तो कम से कम इसमें थोड़ी सी ना कसर है, तकरीबन 80 से 85% इसलिए ना गल गए, बाकी 25% या 20 की इसमें अभी कसर है। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इतना करूँगी, मैं इसमें डालूंगी 1 प्याली दही, फ्लेम कर देंगे मीडियम पे, बहुत लो पे नहीं करेंगे अब। साथ में डालूंगी कटी हुई प्याज, ये कोई 8-10 मिनट लगेंगे, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, गोश्त भी गल जाएगा और प्याज बीच इसमें मिक्स हो जाएगा। इतने में हमारा जो है ना सारा कुछ रेडी हो जाएगा। इसको मैं रखती हूँ कवर करके मीडियम फ्लेम पे ताकि तमाम चीज़ें जो है ना आपस में सेट हो जाएं। जब हो जाएगा तो फिर लास्ट में सिर्फ जो मैंने गोल मिर्च लिए मैं लास्ट में ऊपर डाल दूंगी दम को। दही भी अच्छे से मिक्स हो गया प्याज के साथ, अब इस पे मैं डालूंगी गोल वाली सुरख मिर्च, इसे हल्का सा मैं मिक्स करके तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगी, उसके बाद में इसको डिश आउट करती हूँ। चला से हमारा बहुत मज़ेदार मटन स्ट्यू तैयार हो गया है। ज़रूर आप बनाइएगा, अपने खानों को मज़ेदार बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपने बनाया और आपका क्या रिज़ल्ट आया।
इसको पसंद करने पे मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।